वेलकम बैक टू आवर चैनल दीप सुमी ब्लॉग्स। सो गाइस, आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऊटी के टॉप 10 होटल्स एंड रिसॉर्ट के बारे में, जहां हमने सारे होटल्स को अंडर 1000 रुपीज से लेके 5000 रुपीज के प्राइस रेंज में सिलेक्ट किया है। हमने हमारे अकॉर्डिंग हर एक प्राइस रेंज की कैटेगरी में दो दो होटल्स को सिलेक्ट किया है, जिससे आपको आपके होटल्स चूज करने में ज्यादा आसानी हो सके। एंड हाँ गाइस, ये वीडियो बिल्कुल भी पेड प्रमोशन वाले वीडियो नहीं है, सो वीडियो को बिना स्किप करके इन तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो गाइस, हमारे लिस्ट के नंबर 10 में आता है ग्रीन यार्ड्स होम स्टे, जो कि आपको अंडर 1000 रुपीज़ में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली यहां आपको रूम का प्राइस सिर्फ 937 रुपये में ही देखने को मिल जाएगा। एंड प्राइस के साथ साथ इस होम स्टे को स्पेशल बनाती है इसके लोकेशन। ये होम स्टे ऊटी के लोअर कोड्डा पामुन रोड में स्थित है, जहाँ से बोटेनिकल गार्डन सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। यहाँ आपको रूम बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे नॉर्मल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही आपको अटैच बाथरूम भी अवेलेबल है, आपको यहाँ फ्री पार्किंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। एंड इस होम स्टे में रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं है, बट आपको यहाँ आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ आउटसाइड फूड एंड ऑनलाइन फूड डिलीवरी अलाउड है, बट यहाँ पेट्स अलाउड नहीं है। अगर आप अनमेरिड कपल हो तो आप इस होम स्टे में स्टे कर सकते हो। अब अगर आप ऊटी में एक बजट होटल में स्टे करने के लिए सोच रहे हो, तो आप होटल लैंडमार्क में अपना रूम बुक कर सकते हो। यहाँ आपको अंडर 1000 रुपीज़ में ही रूम मिल जाएगा। रिसेंटली इस होटल में आपको 1100 रुपये में ही रूम मिल जाएगा। इस होटल को स्पेशल बनाती है इसके लोकेशन, क्योंकि ये होटल ऊटी के मेन बाज़ार रोड में ही स्थित है। तो अगर आप ऊटी के मेन मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए सोच रहे हो, तो ये होटल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब अगर यहाँ के रूम की कंडीशन की बात करें, तो यहाँ आपको रूम काफ़ी वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको एक किंग साइज का बेड, सोफ़ा, टीवी जैसे सारे बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही आपको यहाँ अटैच बाथरूम भी मिल जाएगा। यहाँ पार्किंग भी अवेलेबल है, बट इस होटल में रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ आउटसाइड फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। और अगर आप अनमेरिड कपल हो तो आप इस होटल को बुक कर सकते हो। नंबर 8 में आता है रेनबो कॉटेज होम स्टे, जो कि आपको अंडर 1000 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़ के अंडर प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम इस होम स्टे का प्राइस 1600 रुपीज़ है। ये होम स्टे ऊटी के अपर बाज़ार के क्लब रोड में स्थित है, जहाँ से ऊटी के कुछ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि बॉटनिकल गार्डन एंड ऊटी लेक काफ़ी ही नज़दीक पड़ती है। यहाँ आपको रूम काफ़ी बड़ा मिल जाएगा। रूम में आपको सारे बेसिक फैसिलिटी के साथ साथ अटैच बाथरूम भी मिल जाता है। यहाँ पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। एंड शाम के वक्त यहाँ आपको आउटडोर एरिया में बॉनफायर भी देखने को मिल जाएगा। इस होम स्टे में आउटसाइड फूड, ऑनलाइन फूड डिलीवरी एंड अनमेरिड कपल अलाउड है, बट यहाँ पेट्स अलाउड नहीं है। हमारे लिस्ट के 7 नंबर में आता है वीनस हॉलीडे होम, जो कि आपको 1000 टू 2000 रुपीज़ के अंडर प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। ये होम स्टे ऊटी के अपर बाज़ार में हॉस्पिटल रोड में स्थित है, जहां से ऊटी की बस स्टैंड की दूरी सिर्फ 1.3 किलोमीटर्स है। यहां आपको रूम का कंडीशन भी काफ़ी वेल मेंटेन देखने को मिलेगा, जहां आपको नॉर्मल फैसिलिटी के साथ साथ अटैच बाथरूम भी देखने को मिल जाएगा। यहां पार्किंग एरिया के साथ साथ आपको बॉनफायर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। इस होम स्टे में रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं है, बट यहां आउटसाइड फूड, ऑनलाइन फूड डिलीवरी एंड पेट्स भी अलाउड है। और अगर आप अनमेरिड कपल हो तो आप इस होम स्टे में स्टे कर सकते हो। अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करके रूम बुक करने के लिए सोच रहे हो, तो आप 2000 टू 3000 रुपीज़ के अंडर प्राइस रेंज में ऊटी में एक ब्यूटीफुल सा होटल बुक कर सकते हो। क्लूने मैनोर होटल ऊटी में बहुत ही पॉपुलर होटल में से एक है। अगर आप इस टाइम इस होटल को बुक करते हो, तो आपको यहाँ 2500 रुपीज़ में ही रूम मिल जाएगा। ये होटल ऊटी के माउंट प्लेजेंट रोड में स्थित है, जहाँ से रोज़ गार्डन काफ़ी ही नज़दीक पड़ती है। तो यहाँ आपको आउटडोर एरिया में बहुत ही सुंदर सा गार्डन देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप बैठ के ऊटी के टी प्लांटेशन का व्यू का आनंद उठा सकते हो। साथ ही यहाँ आपको एक छोटा सा ट्री हाउस भी मिल जाता है। अब अगर यहाँ के रूम की कंडीशन की बात करें, तो यहाँ आपको रूम काफ़ी वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे बेसिक फैसिलिटी के साथ साथ अटैच बाथरूम भी मिल जाता है। यहाँ किड्स के लिए प्लेग्राउंड एरिया, इंडोर गेम हाउस, रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है। एंड यहाँ आउटसाइड फूड, ऑनलाइन फूड डिलीवरी एंड पेट्स अलाउड नहीं है। अगर आप अनमेरिड कपल हो तो आप इस होटल को बुक कर सकते हो। अगर आप ऊटी में बेस्ट गेस्ट हाउस बुक करने के लिए सोच रहे हो,
तो आप अरोरा लाइट रेसिडेंसी में अपना रूम बुक कर सकते हो। आपको यहाँ 2000 टू 3000 रुपीस के अंडर प्राइस रेंज में ही रूम मिल जाएगा। नाउ दिस टाइम इस गेस्ट हाउस का प्राइस आपको 3000 रुपीस देखने को मिल सकता है। ये गेस्ट हाउस ऊटी के साउथविक कुन्नूर रोड में स्थित है, जहाँ से ऊटी बस स्टैंड, ऊटी लेक एंड बॉटनिकल गार्डन काफ़ी ही नज़दीक पड़ती है। यहाँ के रूम की कंडीशन आपको बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेटेड किया हुआ देखने को मिलेगा, जहाँ आपको नॉर्मल सारे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही अटैच बाथरूम भी मिल जाता है। यहाँ आपको पार्किंग एंड रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा और इस गेस्ट हाउस में नॉनवेज फूड एंड पेट्स अलाउड नहीं है। हमारे लिस्ट के नंबर 4 में आता है होटल मयूरा सुदर्शन। इस प्रॉपर्टी को KSTDC द्वारा मेंटेन किया जाता है, जहां आपको 3000 टू 4000 रुपीस के अंडर प्राइस रेंज में ही रूम मिल जाएगा। ये होटल ऊटी में लग्जरी होटल होने के साथ साथ अपने ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर के वजह से भी काफ़ी पॉपुलर है। अगर लोकेशन की बात करें तो ये होटल ऊटी के लेक रोड में स्थित है, जहाँ से ऊटी बस स्टैंड की दूरी सिर्फ 2.9 किलोमीटर्स है। इस होटल से ऊटी के कुछ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस जैसे कि ऊटी लेक एंड हैंगिंग ब्रिज इन काफ़ी नज़दीकी देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि ये एक लग्जरी होटल होने की वजह से यहाँ के रूम में आपको सारे लग्जरी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही आपको अटैच बाथरूम भी मिल जाएगा। अब अगर आउटडोर एरिया की बात करें तो यहाँ आउटडोर एरिया में आपको बहुत ही प्यारा सा गार्डन देखने को मिल जाएगा, जहाँ बैठ के आप ब्यूटीफुल सा वैली का व्यू ले सकते हो। यहाँ रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है एंड यहाँ आउटसाइड फूड पेट्स एंड अनमेरिड कपल्स अलाउड नहीं है। अगर आप रिसेंटली ही इस होटल को बुक करना चाहते हो तो आपको यहाँ 3200 रुपीज ही रूम मिल जाएगा। हमारे लिस्ट के नंबर 3 में आता है वेवरली विल्ला रिजॉर्ट, जो कि आपको 3000 टू 4000 रुपीस के प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। नाउ रिसेंटली इस रिजॉर्ट में आप अगर रूम बुक करना चाहते हो तो आपको यहाँ 3400 रुपीस में ही रूम मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट ऊटी के सैडन रोड के सामने ही स्थित है, जहाँ से ऊटी के कुछ लोकल टूरिस्ट स्पॉट जैसे कि रोज गार्डन और बोटेनिकल गार्डन भी काफ़ी ही नज़दीक पड़ती है। अगर इस रिजॉर्ट के रूम की कंडीशन की बात करें तो यहाँ रूम आपको काफ़ी ही वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, जहाँ आपको सारे बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। रूम के साथ साथ आपको यहाँ अटैच बाथरूम भी मिल जाता है, जहाँ आपको बाथटब, सेपरेट शावर एरिया, मिरर एंड गीजर जैसे लग्जरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट एंड पार्किंग एरिया भी अवेलेबल है, साथ ही यहाँ आपको कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक जंगल सफारी एंड ट्रैकिंग फैसिलिटी भी मिल जाता है। यहाँ किड्स के लिए इंडोर गेम्स भी अवेलेबल है एंड इस रिजॉर्ट में अनमेरिड कपल्स एंड पेट्स अलाउड नहीं है, बट यहाँ आउटसाइड फूड एंड ऑनलाइन फूड डिलीवरी अलाउड है। अगर आप ऊटी में लग्जरी रिजॉर्ट में स्टे करने के लिए सोच रहे हो तो आप ऊटी के बहुत ही फेमस रिजॉर्ट माउंटेन ट्रेल्स विल्ला में अपना स्टे कर सकते हो, जो कि आपको 4000 टू 5000 रुपीस के अंडर प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। अगर आप इस टाइम इस रिजॉर्ट को बुक करते हो तो आपको यहाँ रूम 4500 रुपीस में ही मिल जाएगा। ये रिजॉर्ट ऊटी के मेन मार्केट से थोड़ी ही दूर कोटागिरी रोड में स्थित है, जहाँ से टी पार्क काफ़ी ही नज़दीक देखने को मिल जाएगा। अब अगर यहाँ की कंडीशन की बात करें तो ये रिजॉर्ट के आउटडोर एरिया आपको काफ़ी ही अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा, जहाँ आपको माउंटेन के साथ साथ टी प्लांटेशन का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल भी मिल जाता है, जो कि इस रिजॉर्ट को और भी खास बनाती है, और साथ ही आपको यहाँ शाम के वक्त फायर कैंप भी देखने को मिल जाता है। की बात करें तो यहाँ आपको रूम काफ़ी बड़ा एंड बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। रूम के साथ साथ यहाँ आपको अटैच बाथरूम भी मिल जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट एंड पार्किंग भी अवेलेबल है एंड इस रिजॉर्ट में अनमेरिड कपल, आउटसाइड फूड एंड पेट्स भी अलाउड है। हमारे लिस्ट के लास्ट एंड नंबर 1 में आता है टुलिप्स एलिक हिल्स रिजॉर्ट। ये रिजॉर्ट भी आपको 4000 टू 5000 रुपीस के अंडर प्राइस रेंज में ही मिल जाएगा। इस रिजॉर्ट को खास बनाती है इसकी लोकेशन, क्योंकि ये रिजॉर्ट ऊटी के मेन मार्केट से काफ़ी ही नज़दीक एलिक हिल रोड में स्थित है, जहाँ से ऊटी के सभी लोकल प्लेसेस जैसे कि रोज गार्डन, ऊटी लेक एंड बॉटनिकल गार्डन काफ़ी ही नज़दीक देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ रूम की कंडीशन काफ़ी वेल मेंटेन देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको यहाँ अटैच बाथरूम भी मिल जाएगा। यहाँ का आउटडोर एरिया भी बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ देखने को मिलेगा, जहाँ आप बैठ के पूरे ऊटी टाउन का व्यू ले सकते हो। यहाँ आपको किड्स के लिए प्ले एरिया, जिम, रेस्टोरेंट, सेपरेट डाइनिंग एरिया एंड पार्किंग भी अवेलेबल है, और यहाँ आउटसाइड फूड, ऑनलाइन फूड डिलीवरी अलाउड नहीं है।
सो गाइज, अगर आप इनमें से किसी भी होटल्स, रिजॉर्ट्स या होमस्टे को बुक करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हो जहां आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल रहा हो, एंड जो बेस्ट बुकिंग लिंक रहेगा वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम होटल्स एंड ट्रैवल ब्लॉग वीडियो के साथ साथ फुल टूर गाइड वाले वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं। हमने ऑलरेडी हमारे चैनल में ऊटी का फुल टूर गाइड वाले वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप चाहो तो आप हमारे टूर गाइड वाले प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को चेक कर सकते हो। So see you guys in next video. Bye bye and take care.